सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की अफवाह फैलाकर वसूली की कोशिश पर एफआईआर दर्ज की गई है। भर्ती बोर्ड ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सपा सरकार में मंत्री रहे यासर शाह को आरोपी बनाया। इस पर अकाउंट से पेपर लीक की अफवाह को फैलाया था। यासर शाह ने अलग अलग ग्रुप और अकाउंट बनाए थे। सोशल मीडिया ऐप के 11 चैनलों पर पेपर लीक से जुड़े मैसेज वायरल किए गए। पेपर के बदले क्यूआर भेजकर रकम भी मांगी गई और जिनकी यूपीआई आईडी मिली है उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बैंक डिटेल के जरिए पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मामले के खुलासे में साइबर सेल और एसटीएफ भी लगाई गई है। आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया कि 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 67 जिलों में 1,164 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 48,17,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। 5 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में कई राज्यों के अभ्यर्थी यूपी पहुंचे हुए हैं और अभ्यर्थियों के लिए यूपी सरकार ने बस सेवा को फ्री कर दिया है। नकल रोकने के लिए इस बार यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सॉल्वर गैंग के साथ हर संदिग्ध पर पुलिस एसटीएफ एटीएस एलआईयू की पैनी नजर है। तो देख सकते हैं आप बड़ी तादाद में अभ्यर्थी परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर की ये भीड़ देख सकते हैं। सभी अपने अपने कमरे को लेकर कहां पर उनकी परीक्षा होनी है उसे लेकर जो लिस्ट यहां पर लगाई गई है उसे देखते हुए नजर आ रहे हैं। 67 जिले हैं कुल उत्तर प्रदेश के जिनमें सेंटर बनाए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो 48,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा का हिस्सा बन रहे हैं। ट्रेजरी में इस बार डबल लॉक सिस्टम रखा गया है। कई ऐसी चीजें हैं जो इस बार की परीक्षा भर्ती परीक्षा के दौरान अलग देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो पहले के मुकाबले ज्यादा टाइट है, ज्यादा तगड़ी और कड़ी सुरक्षा, कड़ा पहरा पुलिस का है।